तो पहला क्वेश्चन, इसका ऐलान सी सैम पुल किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है कि कौन सा तत्व भौतिक वातावरण का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कृषि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से। तो क्या है कि भूगोल की कौन सी उपशाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी भौतिक भूगोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग। विडाल डी लॉबलस ने किस उपागम का समर्थन किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी चार नंबर का, डी नंबर, सॉरी बी नंबर, यानी संभावनावाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग। क्या है पांच नंबर, किस विषय को ज्ञान की जर्नी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पांच नंबर का, ए नंबर, यानी भूगोल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आ चुके किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छः नंबर का, ए नंबर, यानी भौतिक पर्यावरण को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आ चुकी है पूरी तरीके से, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि कौन सा तत्व सांस्कृतिक वातावरण का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सात नंबर का, यानी डी नंबर, राइट आंसर यानी जलवायु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कर लेते हैं। तो आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी किस सिद्धांत द्वारा अग्नि की खोजी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आठ नंबर का, बी नंबर, यानी घर्षण द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते थे। आ चुके हैं पूरी तरीके से, नौ नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग। मनोविज्ञान मानव भूगोल की किस उपशाखा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौ नंबर का, ए नंबर, यानी सामाजिक भूगोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, दस नंबर, उपनिवेश युग में किस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, यानी प्रादेशिक। तो दोस्तों, दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे जिस तरह से देख पा रहे होंगे, दूसरा चैप्टर का है, क्या है कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 6 अरब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दूसरा चैप्टर का। तो औद्योगिक क्रांति के समय विश्व जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी 50 करोड़ थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आ चुकी है पूरी तरीके से, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग। विश्व के वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी 1.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या गत 500 वर्षों में विश्व जनसंख्या कितने गुनी बढ़ी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी चार नंबर का, डी नंबर, यानी 10, डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रीन पे। तो देखिए क्या है कि विश्व जनसंख्या औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांच नंबर का, डी नंबर, यानी 41। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग। तो क्या है कि किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठा नंबर का, सी नंबर, यानी सिंगापुर में घनत्व ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सात नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सात नंबर का, बी नंबर, यानी अफ्रीका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, स्क्रीन पे देखिए क्या है कि विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने लोगों की वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आठ नंबर का, सी नंबर, यानी 8 करोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि विश्व में 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का, बी नंबर, 60%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का, ए नंबर, यानी चीन। तो दोस्तों, तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग स्क्रीन पर पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे। अब क्या है कि किस लक्षण से लोगों की पहचान नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, उद्योग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, औसत विश्व लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, दूसरा नंबर का, सी नंबर, यानी 990। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, निम्नतम लिंगानुपात किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, यानी UAE। तो तीसरा चैप्टर का हम लोग आज पढ़ रहे हैं NCERT बुक से। तो चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं, तीसरा चैप्टर का।
तो आ चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कितने देशों में प्रतिकूल लिंगानुपात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी चार नंबर का सी नंबर यानी 72। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाँच नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए और कितने देशों में अनुकूल लिंगानुपात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पाँच नंबर का डी नंबर यानी 139 देशों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरी तरीके से आ चुकी है। तो क्या है कि यूरोपीय देशों में स्त्रियों की कमी का कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा छः नंबर का सी नंबर यानी स्त्रियों का उच्च स्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आ चुकी है पूरी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग किस महाद्वीप में लिंगानुपात कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सात नंबर का बी नंबर यानी एशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आ चुके हैं पूरी तरीके से वृद्ध लोगों की आयु वर्ग किस आयु से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आठ नंबर का डी नंबर यानी 60 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आ चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग तो ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नौ नंबर का ए नंबर यानी विस्तृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो दस नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे विस्तृत जनसंख्या पिरामिड किस आकार का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 10 नंबर का ए नंबर यानी चौरा आधार। तो आपको तैयारी करने की जरूरत होगी ज्यादा से ज्यादा क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है आप लोगों का। तो अगर आप इसी प्रकार के यानी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ आप बने हुए रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इसी प्रकार यानी सभी सब्जेक्ट का मैं इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूं। अगर आप नहीं देखें तो चैनल में जाइए प्ले लिस्ट बना हुआ है आप वहां जाकर के देख सकते हैं। चलिए दोस्त मैं आज का क्वेश्चन पहला शुरू करता हूं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है। तो इसमें जो आपका जो यानी एक का जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा ए यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंथ्रासाइट है क्या है एंथ्रासाइट करेक्ट आंसर ए यानी राइट आंसर है क्योंकि एंथ्रासाइट ये क्या है एक लोहे का मतलब इसका कोयले का प्रकार है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या कहलाता है दूसरा क्वेश्चन के अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। तो इसका यानी दो का जो ऑप्शन नंबर का जो आंसर जो क्या होगा यानी अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। तो इसका दो का जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यानी ए इसका राइट आंसर होगा यानी कस्बा ऑप्शन नंबर ए यानी कस्बा आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो मुख्य मतलब पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण क्या है तो ये जो आपका यानी तीसरा का जो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इसका मतलब राइट आंसर है क्या है काम और रोजगार। तो यानी चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की जो निम्नलिखित राज्यों में से एक उच्चतम कोटि का जो है तो कौन है वो पंजाब है आपका क्या है पंजाब यानी सी इसका राइट आंसर हो गया चार का यानी सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रदूषित नहीं कौन सी है मतलब नदी कौन सी है या नदी है ये निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो ये जो आपका जो यानी पांचवा का जो राइट जो आंसर होगा तो यानी सी होगा तो गंगा यमुना ये एकदम बहुत प्रदूषित नदी है तो सी इसका आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा। ठीक है सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सिक्स का आपका जो राइट जो आंसर होगा तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी बी होगा यानी गंगा डेल्टा मतलब बी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आप देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल पैदा होती है तो इसका जो आपका जो सात का जो यानी राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में ए यानी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या कहलाता है आठवां क्वेश्चन देखिए क्या गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ये जो आपका यानी जो आठ का जो ऑप्शन नंबर यानी डी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या होगा कोयला यानी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है नौवां क्वेश्चन क्या कहलाता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो ये जो आपका जो यानी नौ का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो आपको मालूम ही होगा कि यानी पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ये तो बहुत ईजी है पटना है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ आगरा भी गंगा ये कोलकाता भी हुगली नदी के किनारे से आगरा जो है गंगा यमुना की नदी से पटना भी गंगा यमुना। तो ये जो भोपाल जो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी यानी इसका राइट आंसर हो गया भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी दसवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहलाता है दसवां क्वेश्चन क्या कहलाता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ननोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है।
ये जो आपका यानी 10वां का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो 10 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो यानी 10 का बी यानी राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, बी यानी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो 11 का जो आप जो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, 11 का आपका राइट जो आंसर होगा तो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्या है, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, यानी डी यानी इसका राइट आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या कहलाता है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, चॉकलेट में जो होता है वो कौन सा पदार्थ उसमें उपयोग होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन यानी पूछते हैं, ये वीवीआई बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। तो चलिए मैं 12वां का जब राइट जो आंसर होगा, तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होते हैं, तो आपका 12 का यानी बी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोक होता है, क्या होगा, कोको होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाया था, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हुई थी। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ वर्ष होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यहाँ वर्ष होगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाए क्या बोल रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हुई थी। तो 13 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर यानी सी होगा। तो भारत को जो इंटरनेट की सुविधा जो हुई थी उपलब्ध, तो कोई बोलते हैं यानी 1998, एक्चुअली इसके लिए मैं मतलब कन्फ्यूज हूँ, तो कोई 1998 और 1988 बोल रहे, तो एक्चुअली यहाँ मैं गूगल से सर्च किया तो यहाँ 1998 ही दिखा रहा है। आपको अगर मालूम है इसका यानी सही आंसर, तो आप कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या कहलाता है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो विजयनगर जो केंद्र है मतलब इस्पात केंद्र है जो, वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका यानी 14 का जो आपका जो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कहाँ है ये विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, कर्नाटका में, ठीक है, तो ये कर्नाटक हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या कहलाता है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ये जो दुर्ग लौह अयस्क जो क्षेत्र है, तो ये कहाँ मतलब कौन सा मतलब क्षेत्र में है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 15 का जो राइट जो आंसर होगा, तो आपका यानी क्या हो जाएगा, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर आपका यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है, आपका फ्रेंड भी इसका लाभ ले सकेगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्त मैं शुरू करता हूँ, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव भूगोल के पिता कौन है, यानी मानव भूगोल के पिता कौन है, तो ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट जो आपका आंसर होगा तो क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी होगा, क्या होगा, फ्रेडरिक रेडजेल, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या कर लेता है, 100% यानी 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का क्या नाम है। तो इसमें जो है पहला आपका जापान दिया हुआ है, दूसरा में सिंगापुर दिया हुआ है, तीसरा में थाईलैंड दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट है आपका दूसरा का जो राइट जो आंसर होगा, तो इसका भी क्या होगा, राइट आंसर यानी बी एन सिंगापुर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या कहलाता है, तीसरा क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये जो है क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, तो पहला यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ, मक्का दिया हुआ है, चाय दिया हुआ है, गन्ना दिया हुआ है, तो तीन का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो क्या होगा, यानी गन्ना होगा, क्या होगा, गन्ना। अब तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करेगा गाइस, कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो यहाँ पहला जो ऑप्शन में दिया हुआ है यानी ग्रेफियर टेलर कुमारी सैंपल कांट्रीडर, तो ये जो है आपका यानी राइट जो आंसर होगा आपका चौथा का जो आपका जो करेक्ट राइट आंसर होगा, तो ये ए यानी आपका इसका ग्रेफियर टेलर है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है, 5वां क्वेश्चन, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश मतलब उत्पादक राज्य कौन सा है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका जो आपका जो यानी राइट जो आंसर होगा तो क्या होगा, पहला है ऑप्शन में बिहार दिया हुआ है, दूसरा में पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, तीसरा में तमिलनाडु दिया हुआ है, इसका जो राइट जो आपका आंसर होगा, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, तो ये जो आपका है बी यानी पश्चिम बंगाल, बहुत ही वीवीआई, क्योंकि अक्सर आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, स्वेज नहर जोड़ती है, तो यहाँ जो है आपका स्वेज नहर यानी किसको इसको जोड़ती है, तो पहला दिया हुआ यानी भूमध्य सागर है और अरब सागर, दूसरा में काला सागर और लाल सागर, तीसरा में है भूमध्य सागर और काला सागर, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी सी आपका राइट आंसर होगा, इसका भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या कर लेता है, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कर लेता है, भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो यहाँ पहला ऑप्शन में दिया हुआ ब्रह्मपुत्र दिया हुआ, उसका सतलज दिया हुआ, गोदावरी दिया हुआ है, तो 7 का जो आपका ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा,
राइट जो इसका आंसर है तो यानी डी आंसर होगा, ठीक है, गोदावरी, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका क्या कहलाता है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, यानी संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया था। तो आठ का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा इसमें, बी आ जाएगा, यानी विडाल डी लाब्लास, बी यानी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर नवा क्या कहलाता है, संसार का व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो ये जो है आपका यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, नौ का यानी आपका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी होगा, यानी उत्तरी अंध मार्ग होगा, क्या होगा, उत्तरी अंध मार्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर दसवा क्या कहें, निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। तो आप लोगों को तो इसका आंसर तो है ना कॉमनली आना चाहिए सबको, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसी प्रकार के ही क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में अक्सर। तो ये 14 का जो दस का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो इसका यानी कहाँ होते हैं, झारखंड में, यानी बहुत फेमस है झारखंड में ही कोयला सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है, अधिक भंडार है इसका, बी सी यानी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, ग्यारहवां, संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है। तो ये जो है आपका 11वां का जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका क्या कहलाता है, 12वां क्वेश्चन के विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो 12वां का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका इसका जो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है। तो इसका जो 13 का जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, यानी इसका यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पेट्रोलियम के वो जाना पेट्रोलियम के लिए वो अधिक जाना जाता है, क्योंकि समुद्र के किनारे अक्सर वहाँ पेट्रोलियम ही पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर यानी 14 देखते हैं क्या है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी औद्योगिकरण से क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से और मशीन वगैरह से मतलब ध्वनि आता है। वायु प्रदूषण तो वायु को तो प्रदूषित करता ही है धुआं से उसका। जल प्रदूषण क्योंकि कारखाना वगैरह बड़ा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, तो उसका मल जाता है कहाँ, यानी नदी में जाता है, तो उससे क्या होता है मेरा जल प्रदूषण हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका यानी ए सही है, बी सही है, सी भी सही है, तो इसका जो राइट जो होगा इनमें से सभी होगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका क्या कहलाता है, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो आपको मालूम होगा कि अनुमान लगाया जाता है कि 2027 तक लगभग इंडिया सबसे फेमस यानी टॉप पॉपुलेशन के मतलब दृष्टि से मतलब एक नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी जो है अभी वर्तमान में तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में अभी चीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 16 कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये जो है आपका 16 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो अभी 16 का जो राइट जो आंसर होगा तो क्या होगा, जावा, यानी बी सी यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्या कहलाता है, 17वां क्वेश्चन क्या कहलाता है, विश्व में तांबा एस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में तांबा एस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये जो है आपका 17 का जो आपका ऑप्शन नंबर जो राइट जो आंसर होगा तो यानी सी होगा, क्या होगा, चिली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही एंड क्वेश्चन आपका अंतिम भी क्वेश्चन है, यानी आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो ये आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है तो उसका नाम क्या है, यानी 18 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो आपका है यानी फ्रेडरिक रेटजेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर गाइस भी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलिए दोस्त यहीं तक वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।